आज मैं आपको नाश्ते की बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये नाश्ते की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आकृति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी बेसन। तो आप चना का बेसन या जो भी बेसन आप खाने में यूज करते हैं, आप उसे ले सकते हैं। और बेसन ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हम इसी में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन लिया है, जिसका छिलका निकाल के मैंने अच्छी तरह से इसको क्रश कर लिया है। और 7 से 8 हरी मिर्च लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इसे हम डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च बढ़ा के भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 1 रुपये का पैकेट आता है मार्केट में, तो इसमें 1/2 चम्मच के आसपास मसाला है, तो मैं सारा डाल दे रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला बैटर बनाएंगे। तो हमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाना है फ्रेंड्स। एक ही बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही डिफरेंट और यूनिक नाश्ते की रेसिपी अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर नाश्ते की बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर कर रखा है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बेसन का बैटर भी बनके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना पतला रखा है, इतना ही पतला आपको भी रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो चलिए हम फटाफट से एक काम और कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिया था, और प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर दिया है, और एक एक स्लाइस इसका अलग कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। नमक डालने से ये प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको नमक ज़रूर डालना है, थोड़ा ही डालिएगा पर ज़रूर डालिएगा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक कटोरी और चम्मच। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किसान टमाटो केचप लिया है, तो थोड़ा टमाटो केचप हम कटोरी में डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप नाश्ता अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपकी फैमिली हो या फिर आपके मेहमान हो, सबको ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम अपनी गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, और 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स, सरसों के तेल में सब्जी खाना बनाया जाता है, तो मैं सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ। अगर आपके घर पे सरसों का तेल नहीं यूज किया जाता है तो आप इसकी जगह पे कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि इसका स्मेल निकल जाए। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हमें इस तरह से बैटर डालना है। और बैटर डाल के फ्रेंड्स, चारों तरफ इसे अच्छी तरह से फैला देना है। तो इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही झटपट ये बन जाता है फ्रेंड्स। और इस तरह से फैलाने के बाद 1 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक चुका है। ऊपर से हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज कम या ज़्यादा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और प्याज डालने के बाद फ्रेंड्स, हमने जो किसान टमाटो केचप लिया था, इसको हमें इसमें ऐड करना है। तो आप इसकी भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा किसान केचप डालिएगा। और इस तरह से हमें तुरंत फोल्ड कर देना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो फोल्ड करने में दिक्कत होगी। तो हमें तुरंत ही प्याज और किसान केचप डाल के फोल्ड करते जाना है, बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाता है फ्रेंड्स। और यही नाश्ता बनाने का मैं एक तरीका और आपको बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इस साइड से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है, और दूसरी साइड भी हमें 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो ऐसे ही पलटते पलटते हमें 4 से 5 मिनट तक इसे पका लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता पक चुका है, तो हम इसे किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखने में ही ये कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। ऊपर से ये क्रिस्पी लगता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी पैन में हम फिर से 2 चम्मच तेल डाल देंगे,
और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि इसका स्मेल निकल जाए। और फ्रेंड्स सेम प्रोसेस से हमें इसमें बैटर डालना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें डालते जाना है और फैलाते जाना है और लो फ्लेम पे ही आपको बनाना है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, गैस का फ्लेम लो होना चाहिए और इस तरह से बैटर हम चारों तरफ फैला देंगे, बिल्कुल हमें पतला कर देना है और 1 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 1 मिनट पका लिया है और इसके बाद हम किसान टमाटो केचप इस तरह से इस पर लगा देंगे। तो अच्छी तरह से हमें इस पर लगा देना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है किसान टमाटो केचप तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से हम प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद फ्रेंड्स हमें तुरंत फोल्ड कर देना है। तो 2 तरीका मैंने आपको बताया, पहले प्याज डाल के किसान केचप डालिए या फिर किसान केचप लगा के तब आपको प्याज डालना है, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं नाश्ता। तो ये देखिए मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ और कितना इजीली ये फोल्ड हो जा रहा है, और मैंने इसमें प्याज भी ज़्यादा डाला है। और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस साइड से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पका देना है और 2 मिनट के बाद हमें पलट के इस साइड से भी 2 मिनट पका देना है। ऐसा हमें 2-3 बार करना है, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने से ये रेसिपी आप एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, मैं गारंटी देती हूँ आपकी फैमिली को आपके मेहमान को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। और फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसे आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है और भी इसी तरह की डिफरेंट और यूनिक रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आकृति की रसोई को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।